देखो बेंजीन भी हमें पता है कि 6π इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करती है, बेंजीन हमारे पास एरोमेटिक होती है। अभी ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ जाए तो हमारे पास ये वाली रिंग एरोमेटिक होगी या फिर एंटी एरोमेटिक होगी। अगर सिर्फ एक नाइट्रोजन है तो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होगी, अगर दो नाइट्रोजन है तो क्या होगा। तो देखो हमारे पास, हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर भी है, क्योंकि सभी एटम्स हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2+2+2 6π इलेक्ट्रॉन। तो क्या हमारे पास ये जो बाहर नाइट्रोजन के पास दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब, तो वो नहीं इसमें पार्ट लेंगे क्या कॉन्जुगेशन में? नहीं। क्यों? अगर आप इन्हें चाहे यहां बनाओ चाहे बाहर बनाओ, ये कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से यहाँ पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, हमारे पास ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6π इलेक्ट्रॉन्स।